मुंबई में 2 नवंबर के दिन एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है फ्यूचर तो ब्राइट है जी। पिंकी सिंह लोखंडवाला का सबसे बड़ा ब्रोकर है। ओ जी, जितना बजट आपका है ना, उसमें पेंट हाउस नहीं, निक्कर हाउस ही आ सकता है। लेकिन एक शर्त है, इनको फ्लैट तभी मिलेगा जब एक शादी का सर्टिफिकेट हमारे ऑफिस में जमा कराएंगे। कल हमीद नया किराएदार भेज देगा तो कहाँ जाएंगे हम? फुटपाथ पर। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कॉल द पुलिस। ये कौन है? ये इसका मर्द है। मर्द है ये? जब तक आपकी मैरिज सर्टिफिकेट ऑफिस में सबमिट नहीं कर देते तब तक मेरे फ्लैट में नहीं रह सकते। यह फिल्म मुंबई के जिंदगी पर आधारित है। फिल्म की पूरी जानकारी लिए हमारी संवाददाता ने डायरेक्टर तथा फिल्म की अभिनेत्री से। फिल्म एक कपल की स्ट्रगल है जो स्मॉल टाउन से बॉम्बे आते हैं और इट्स अ कॉमेडी। वो कैसे पैसे के पीछे भागते हैं, रिचेस के पीछे भागते हैं, लेकिन एंड में उनको लगता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था हम कभी सबसे ज्यादा खुश थे। बिल्कुल बहुत रियल लगा, बिकॉज मैं भी बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं भी बाहर से आई हूँ, सो बहुत रियल पोर्ट्रेयल है इन चीज का। इस फिल्म में आपको क्या फील किया? सॉरी, इस फिल्म में आपको क्या फील किया? कि स्ट्रगल, मैं स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस प्ले करती हूँ तो उसकी स्ट्रगल के बाद में। मैं दिल्ली से। जी, जो स्टोरी है वो तो डायरेक्टर की है, बट नहीं नहीं मैं तो सिर्फ एक्ट्रेस हूँ। इट्स अ वेरी आम लोगों की आम कहानी है, कुछ इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, हम कहेंगे कुछ बहुत बड़ा है ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम बॉम्बे में बाहर से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे सपने हैं, और ये शहर इतना प्यारा शहर है कि ये आपको इतने सपने दिखाता है कि आप उन सपनों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। एंड दैट इज ऑल द क्रक्स ऑफ, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज मेरे पास फिल्म नहीं, आज मेरे पास प्रॉब्लम चल रही है, बट स्टिल ऐसे मेरा फ्यूचर ब्राइट है यार, एक दिन आई विल बी ऑफ दैट। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट, यहाँ एक छोटा एक कपल है जिनकी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हैं एंड उसमें से वो कैसे निकल कर आते हैं। देन या लकीली मैं थोड़ा सा आई एक्सेप्टेड बिफोर एवरीबॉडी कि यस आई एम लकी, आई हैव गॉट गुड पीपल अराउंड मी। इस फिल्म को बनाते वक्त जिस तरह की स्टारकास्ट मेरे पास थी, जिस तरह के टेक्नीशियन थे, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोडक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट, इस पूरे प्रोजेक्ट में इट्स ओनली मी जिसे कोई नहीं जानता और जो डेब्यूटेंट है। मेरा DOP मिस्टर नीलाब कौल 25 साल का एक एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, इज अब सच अ हु हैज गिवन द फिल्म्स लाइक छल, जानशीन, मेरे एडिटर संदीप सिंह, इवन प्रोडक्शन डिजाइनर, ऑल आर सीनियर गाइज एंड ऑल एक्टर्स, इवन अ वन सीन एक्टर दैट इज ऑल्सो अ फेस अ परफॉर्मर। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी एक्टर, स्पेशली आमिर बशीर हु हैज लिव्ड द कैरेक्टर। आमिर बशीर, यू टॉक अबाउट सोनल सहगल, सतीश कौशिक जी, असरानी जी, नीलिमा अजीम डन ए कैमियो, बट शी हैज जस्ट रूल्ड द थिंग। इट वॉज ऑल फन, इट वॉज ऑल डैम फन, और ऐसा हो गया था कि अंत तक आते आते लोगों को ये लगने लगा था, बहुत सारे इवन मेरे प्रोड्यूसर को कि ये फिल्म बन भी नहीं है कि मजाक हो रहा है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत एक्सेप्टली मी, मुझे जो समझ में आता मैं वही करता रहा हूँ। बिकॉज वी हैव गॉन विद द रियल लोकेशंस, हमने इस फिल्म में बहुत रियल लोकेशंस यूज़ की हैं, रियल ओरिजिनल फ्लैट्स, ओरिजिनल महारा के लोकेलिटीज, तो वी हैव गॉन विद द ओरिजिनल थिंग्स। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक, देर इज ऑलवेज अ होप, फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट, सो थिंक अबाउट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, देर इज नथिंग लाइक नेगेटिविटी, चाहे जिंदगी में कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, नेगेटिविटी ही आपको ज़्यादा गिराती है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट मेक्स यू टू लिव, and future should always be bright and we should hope for that one.